स्कीम आपके फायदे की। किसान की उपज को मंडी में मिलने वाले भाव और किसान की फसल पर आई लागत के बीच आने वाले भाव का अंतर, इसकी भरपाई के लिए बनाई गई भावांतर भरपाई योजना, आज के कार्यक्रम में इसी स्कीम पर होगी विस्तार से बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना का कार्यक्रम स्कीम आपके फायदे की, जिसमें आज बात करेंगे हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई भावांतर भरपाई योजना की। ये स्कीम क्या है, सरकार ने इसे किस उद्देश्य से शुरू किया और किसान इस स्कीम के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, तमाम बातें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये स्कीम आपके फायदे की है या नहीं, ये आप स्कीम के बारे में जानने के बाद खुद तय कीजिएगा। भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत किसानों को उपज के बाजार भाव में आने वाले अंतर के घाटे से बचाने के लिए की गई थी। 30 सितंबर 2017 को शुरू की गई योजना के तहत सरकार द्वारा खास तौर पर मसाला और बागवानी फसलों की खेती करने वाले किसानों को रखा गया। साथ ही 2 मसाला और 19 बागवानी फसलें भावांतर योजना में शामिल हुई, क्योंकि इन फसलों की पैदावार में किसान को जितनी लागत लगानी पड़ती है, कई बार बाजार में उस उपज की कीमत, मुनाफा तो छोड़िए, लागत वसूल होने लायक भी किसान को नहीं मिल पाती। ऐसे में किसानों को घाटे से बचाने, उन्हें अपने उपज का उचित दाम दिलाने के उद्देश्य से लाई गई भावांतर भरपाई योजना। सरकार ने सभी फसलों का मूल्य निर्धारित किया, लेकिन अगर बाजार में किसानों को अपनी फसलों का दाम तय मूल्य से कम मिलता है, तो उसके लिए भावांतर के तहत घाटे की भरपाई का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया। बवाल मचा तब जब इसमें बाजरा और सूरजमुखी को शामिल कर दिया गया। अभी हाल ही में इसी योजना के विरोध में किसान सड़कों पर उतरे, जब बाजरा के बाद सूरजमुखी को भावांतर में लाया गया। किसानों का कहना है कि उन्हें भावांतर का लाभ ही नहीं है, बल्कि अपनी उपज का वाजिब दाम यानी MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको चाहिए। किसानों का कहना है कि भावांतर योजना में MSP वाली फसलों को शामिल क्यों किया जा रहा है। किसान का ये भी कहना है कि उन्हें सरकार से इस स्कीम के तहत भाव में अंतर की भरपाई बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP चाहिए। किसान इस योजना यानी भावांतर भरपाई के विरोध में क्यों खड़े हुए, ये समझना और ज़रूरी हो जाता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि मंडी में दिए जा रहे उपज के भाव और निर्धारित मूल्य के बीच में जो अंतर है, उसे भरने के लिए भावांतर योजना को लाया गया है। लेकिन जब किसान अपनी उपज, बाजरे की उपज को मंडी लेकर पहुंचा, तो उसे निर्धारित मूल्य से आधा भाव मिला। जैसे बाजरे का MSP है 2250 रुपये प्रति क्विंटल, लेकिन मंडी में किसान को अपनी उपज का जो दाम मिला वो था 1100 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल। तो ऐसे में भावांतर स्कीम के तहत किसान को 1000 से 1100 रुपये, 1150 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन किसानों को भावांतर योजना के तहत सरकार दे रही है सिर्फ 600 रुपये प्रति क्विंटल। तो किसान में आक्रोश पनपा कि ये अंतर की भरपाई कैसे हुई, क्योंकि 1100 रुपये प्रति क्विंटल या 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से फसल बेचने पर भावांतर के तहत प्रति क्विंटल 600 रुपये पाने पर भी किसान को MSP से 450 से 550 रुपये कम दाम मिल रहा है। यही घाटा किसान में देखने को मिला और वो सड़कों पर उतरा। किसान ने भावांतर योजना के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, क्योंकि बाजरे की फसल में घाटा खा चुके किसानों ने सूरजमुखी के भावांतर में शामिल होने के बाद इसमें भी उसी घाटे के उठने की या सोच को उसने पनपाया और भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले धरना देकर किसानों ने साफ किया कि उन्हें भावांतर का लाभ, इस योजना का लाभ बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ फसल का MSP चाहिए। बता दूं कि हरियाणा में सूरजमुखी का MSP 6400 रुपये प्रति क्विंटल है, जिसका बाजार मूल्य किसान को 4000 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। ऐसे में किसानों का कहना है कि भावांतर के तहत ज्यादा से ज्यादा उन्हें मिलेगा तो प्रति क्विंटल 1000 रुपये मिल जाएगा, तब भी मूल्य जो MSP का है वो 1400 रुपये नीचे रहेगा, इसीलिए किसान भावांतर योजना का लाभ नहीं चाहता, MSP चाहता है। कुल मिलाकर किसान को घाटे से बचाने के लिए एक अच्छी मंशा के साथ शुरू की गई भावांतर भरपाई स्कीम आज सरकार के गले की ही फांस बन चुकी है, क्योंकि बाजरे के बाद सूरजमुखी को भावांतर योजना में शामिल करने के बाद किसान को आशंका है कि सरकार MSP को खत्म कर देना चाहती है और उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। दूसरा ये कि भावांतर किसानों को बाजार भाव में मिलने वाले अंतर की भरपाई कर ही नहीं रही, इसीलिए योजना को
को लेकर किसान किसी लाभ की गुंजाइश नहीं समझते, उसका कोई औचित्य उन्हें नहीं लग रहा। एक और बड़ी बात यह कि भावांतर योजना के तहत जो रकम सरकार की तरफ से किसान को दी जाती है वो किसान तक पहुंचने में एक लंबा वक्त लगता है। पैसे का देरी से मिलना भी भावांतर को किसान के लिए बेमतलब की योजना बना रहा है। खैर, तमाम बातों से अलग सरकार ने किस नजरिए के साथ इस स्कीम को धरातल पर उतारा उस पर बात करते हैं। फसल के दाम में घाटे की भरपाई और किसानों को कृषि में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये स्कीम हरियाणा में भी लाई गई। योजना का लाभ पाने के इच्छुक किसानों को इसके लिए आवेदन करना होता है, जो कि ऑनलाइन किया जाता है, जो एक निर्धारित समय में किया जाता है। सर्व सेवा केंद्र, ई दिशा केंद्र, विपणन बोर्ड, बागवानी विभाग, कृषि विभाग, इंटरनेट कियोस्क पर इस योजना के पंजीकरण की सुविधा आपको उपलब्ध है। तो योजना के तहत प्रोत्साहन पाने के इच्छुक किसान पहले पंजीकरण कराएं और फिर आवेदन स्वीकार होने के बाद जो ध्यान में रखना है वो ये कि अपनी फसल की बिक्री आपको जे फॉर्म पर ही करानी है और फसल की बिक्री की पूरी जानकारी का विवरण जो है वो आपको BBYE पोर्टल पर अपलोड भी करना है। यदि आपके द्वारा बेची गई फसल और सरकार द्वारा तय किए गए फसल के दाम में कोई अंतर होता है, यानी निर्धारित मूल्य से कम पे आपकी फसल बिकती है, तो भावों के बीच आने वाले अंतर की भरपाई किसान को सरकार की तरफ से योजना के तहत होती है, ऐसा प्रावधान है। योजना से संबंधित तमाम जानकारियों को और विस्तार से समझने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया, पात्रता, सत्यापन और प्रोत्साहन राशि के बारे में जानने के लिए ये जो लिंक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस पर क्लिक करें, इस वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट है www.ekharid.in/home.bhavantarbharpai-yojana। ये आपको योजना से संबंधित सभी जो बातें हैं आप इस साइट पर जाकर उनको जुटा सकते हैं। ये सभी बातें हिंदी भाषा में सरलता से विस्तार से यहाँ पर समझाई गई हैं और आगे आपको भावांतर भरपाई योजना यदि अपने हिसाब से अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये आपके लिए लाभकारी योजना है, तो आप इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं, आवेदन करके प्रोत्साहन राशि का लाभ ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नई स्कीम की पूरी जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।